शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार होने के बाद राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे संजय सिंह को वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में जो दलीलें दी हाईकोर्ट ने एक न मानी, बल्कि ईडी की दलीलों पर कोर्ट ने भरोसा दिखाया और संजय सिंह की याचिका पर ये कहते हुए सुनवाई से मना कर दिया कि ईडी ने कानून के दायरे में रहकर काम किया, याचिका सुनने लायक नहीं है। तो वहीं सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने ईडी की गिरफ्तारी पर जो सवाल खड़े किए उसका जवाब देते हुए ईडी ने बकायदा सबूत देते हुए यहां तक कह दिया कि संजय सिंह का बड़ा दबदबा है। आखिर ईडी को कोर्ट में ऐसा क्यों कहना पड़ा वो आपको बताते हैं। दरअसल संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में कहा, दिल्ली एक्साइज मामले में संजय सिंह मुख्य साजिशकर्ता है। संजय सिंह के प्रभाव और दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने ईडी दफ्तर से सबूत लीक करा लिए थे। संजय सिंह के पास दिनेश अरोड़ा के बयान की मूल तस्वीर थी। जांच के दौरान ये पता चला कि संजय सिंह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं, वो रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपराध की आय प्राप्त की है, ईडी के पास उनके खिलाफ स्पष्ट सबूत हैं। आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने भी अपने बयान में खुलासे किए हैं। संजय सिंह की ईडी कार्यालय तक पहुंच थी। ईडी कार्यालय के अंदर से ली गई तस्वीर मामले में बयानों की तस्वीरें तलाशी के दौरान संजय सिंह के पास से मिली। ये संजय सिंह के प्रभाव और उनकी पहुंच को दर्शाता है। हालांकि संजय सिंह के वकील ने ईडी के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि जिस बयान का जिक्र किया जा रहा है वे पहले से ही पब्लिक डोमेन में था और मूल शिकायत का हिस्सा था जो नवंबर 2022 में ईडी द्वारा दायर किया गया था। जब कोर्ट ने संजय सिंह के खंडन करने के बाद ईडी से तस्वीर लीक करने वाले आरोप पर सफाई मांगी तो ईडी ने अदालत को बताया कि जो तस्वीर मिली है वो ईडी दफ्तर के एक मेज पर थी। ये ईडी दफ्तर के दस्तावेज के प्रिंट की है, ये ईडी कार्यालय से पता चलता है, अन्य फाइलें भी हैं। मुद्दा ये है कि आप ईडी कार्यालय पहुँचते हैं और तस्वीरें ली। वाकई ईडी ने संजय सिंह पर कोर्ट में गंभीर आरोप लगाए ईडी दफ्तर से तस्वीरें लीक करवाने का, जिससे ईडी ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि संजय सिंह का बड़ा रसूख है। और साथ ही ये जिस दिनेश अरोड़ा के बयान पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, जिस पर संजय सिंह की तरह से सवाल खड़े किए जा रहे थे, ये खुलासा करके ईडी ने कोर्ट को ये दलील देते हुए कन्विंस कर लिया कि संजय सिंह के दबदबे और रसूख की वजह से ही दिनेश अरोड़ा ने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। तो कुल मिलाकर कोर्ट में ईडी ने जो खुलासा किया यही बड़ी वजह रही कि कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज करते हुए बड़ा झटका दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।